आपसी खत्म कराओ, शादी आलों का मासी कत्लेआम। कदम बढ़ाओ, आजी बाबा दीसा कदम बढ़ाओ, शादी आलों का माशी कतले हम। पहले भी वादे किए गए कि आपके बिल जो है माफ कर दिए जाएंगे, दुकानों पर चालान बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह आपके सामने हैं, बकायदा वजीर आला बलूचिस्तान ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी, उन्होंने हमारे साथ मुतअद्दिद वादे किए, उस पर एक भी वादा वफा नहीं हो सका है। हमें राशन का बोला गया था, वो नहीं दिया गया। हमारे यूटिलिटी बिल्स कह रहे थे माफ़ कर देंगे, शादी वालों के, तंदूर वालों के, होटल वालों के, वो भी माफ़ नहीं कराए गए। फिर उसके बावजूद जली इंतज़ामिया और पुलिस वालों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। आए रोज़ एक दिन पुलिस वाले आते हैं, जुर्माना करते हैं, दूसरे दिन फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, तीसरे दिन फिर मजिस्ट्रेट आते हैं। अब हम लोग अपने कारोबार से बेजार हो चुके हैं कि हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। हमने सरकार के तमाम दरवाज़ों पे दस्तखत दिए हैं, सिवाय वज़ीर आला बलूचिस्तान के, जो हमारे साथ दुनिया में हमदर्दी की है। बाकी जो हमारे DIG साहब है, पता नहीं वो क्यों हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे जो DC साहब है, उसका हम समझ नहीं आ रहे हैं, खुद इलीगल गाड़ियों में फिरते हैं, इलीगल गाड़ियों में आते हैं और हमें कहते हैं कि आप SOPs पे अमल नहीं कर रहे, तो इस जुल्म के खिलाफ हम निकले हुए हैं। आज हमारा धरना होगा उस वक्त तक जब कोई जिम्मेदार शख्स, वजीर दाखला या कोई चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी नहीं आएंगे, हम किसी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से मुजाकरात नहीं करेंगे। उसके बाद कल हम लोग बलूचिस्तान असम्बली के सामने जब इजलास होगा, वहीं भी हम लोग गैर मुहैना मदद तक धरना देंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल, हमारा मुजाहरा रेस्टोरेंट, शादी वालों और दुकानदारों के हकूक के लिए निकाला गया है। आप देखिए, 4 माह से शादी हाल बंद है, जबकि घरों में शादियां हो रही है। वहाँ SOPs का कोई मसला नहीं है, वहाँ कोरोना वायरस का कोई मसला नहीं है। हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट एयरपोर्ट पे, रोड पे आप देख सकते हैं, वहाँ SOPs बहुत आसानी से फॉलो किए जा सकते हैं। वहाँ पर हमें कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हर पुलिस ऑफिसर, हर पुलिस सिपाही मजिस्ट्रेट आके उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है, 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने करते हैं। तो आज हम इनके खिलाफ निकले हैं कि हमें कारोबार की इजाज़त दी जाए SOPs के तहत। हालांकि अगर आप हमारे DC ऑफिस में चले जाएं, आपको SOPs का कोई नाम निशान नहीं मिलेगा। हमारी टाइमिंग जो अभी 7 बजे है, फिर ईद का सीज़न आ रहा है, गवर्नमेंट फिर वही छोटी ईद वाली गलती करने जा रही है। हम तो इस वक्त को बढ़ाया जाए ताकि ये रश तकसीम हो सके। जितना भी वक्त आप कारोबार के लिए ज़्यादा देंगे, रश तकसीम होगा। हमारे 3 बड़े मुतालबात हैं। इसके अलावा हमारा मुतालबा है कि हमें जमा साहब सूबाई मुजाकारती कमेटी ने वादा किया था कि हम आपको 3 महीने के बिजली और गैस के बिल माफ़ करेंगे, वो नहीं हुआ है। हमारे जो होटल के मुलाजमीन हैं, उनके लिए राशन का वादा किया गया था, वो वफा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम निकले हैं आज, और यहीं पे हम शायद धरना दें और अपने मुतालबात पे तस्लीम होने तक बैठे रहें। तो मेरे ख्याल से ये सबसे गलत फैसला है, क्योंकि जब आप एक मंडी लगाओगे तो पूरे शहर का फिर वही है। हम कहते हैं उसको तकसीम करें, 10 लगाएं, 20 लगाएं, ताकि रश तकसीम हो। आप ये हमारी गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक है, पॉलिसी साज हैं, हमें समझ नहीं आते इसको कौन सिखाते हैं। जब पॉलिसी मंडी 1 होगी तो अच्छा होगा, या मंडी 5-6 होगी तो ये तकसीम होंगे। पता नहीं, 1 मंडी में तो और भी ज़्यादा वायरस फैलेगा, और भी ज़्यादा खतरा थे इसके। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं इस फैसले की। दायरा बने, दायरा बने।